शहीतवानज़ीम अस्सलाम अलैकुम नाजिर नशरफ आसमी एडवोकेट आपकी ख़िदमत में हाज़र लाहौर कोर्ट का फैसला जस्टिस मिर्जा बकास रोफ साहब ने इस केस को सुना टू जीरो टू फोर एल एच सी टू ट्रिपल वन नाज़िर ये रेट पटिशन नंबर फ़ाइव जीरो बटा दो हज़ार चौबीस है मोहम्मद मारूफ एंड अदर वर्सिस मसम्मत मरियम फारूक एंड अदर्स नाजरिन कराम इस केस के फैक्ट्स की जब हम बात करें तो ये बड़ा एक अपनी नवीयत का डिफरेंट केस है वन ऑफ़ द रिस्पोंडेंट्स अलॉन्ग विद हिज़ मदर रिस्पोंडेंट इंस्टीट्यूटेड ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेटेनेंस अलाउंस डॉरी आर्टिकल्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स करंसी इन फॉर्म ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज अल्टरनेट प्राइस इंक्लूडिंग द पिटिशनर हु आर हिज पेटरनल अंकल्स यानी चचाओं एंड हिज़ ग्रैंड फादर और चचाओं के खिलाफ और दादा के खिलाफ जो है वो आ, केस किया कि मेरी वालदा का जो है वो डॉरी आर्टिकल्स जहेज़ का सामान हमारा गोल्ड हमारी जो करेंसी थी यूरोप में और हमारा जो ख़र्चा है वो हमें दिया जाए ज़ाहिर उसकी माँ भी ज़ाहिर वो साथी थी मरियम फारूक जिसका नाम इन्होंने इसमें लिखा हुआ है उन्होंने पार्टी किसको बनाया पेटर्नल अंकल को चचाओं को और दादा को हु पासड अवे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बिफोर द फैमिली कोर्ट इन दरे ऑफ डिफेंडेंट्स उनको जो है ना वो दादा जो था वो फोत हो गया अभी केस चल रहा था द सूट वाज डिग्री सूट डिग्री हो गया द पिटिशनर प्रेफर्ड एन अपील वेयर एज द रिस्पॉन्डेंट आल्सो चैलेंज द जजमेंट एंड डिग्री ऑफ द फैमिली कोर्ट थ्रू अ सेपरेट अपील हो एवर बोथ द अपील वर डिस्मिस बाई द वे ऑफ एम्प्यूंगोडेटेड जजमेंट हैंड्स दिस पिटिशन आर्टिकल वन नाइनटी नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दोनों ने अपीलें कर दी अपने अपने मामलों के लिए जो कि डिसमिस होगी अब यहाँ पर जो डिस्कस हो रहा है इशू वो मैं आपकी खिदमत में पे पे पेश करता हूँ वेदर इन केस ऑफ डेथ ऑफ फादर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेटेनिंग माइनर चाइल्ड शिफ्ट अपॉन हिज क्लोज रिलेटिव इनक्लूडिंग अंकल क्या बाप के मरने के बाद बच्चों का जो नाबालगान का खर्चा उनके चचाओं के ऊपर पड़ जाता है क्लोज रिलेटिव पे इनऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म दर्वीन रिलेटिंग टू देंटेन्स सेक्शन नाइन ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉर्डिनेंस नाइनटीन सिक्सटी वन वॉज अमेंडेड थ्रू मुस्लिम फैमिली लॉ अमेंडेड एक्ट दोन ए वॉज एडेड सेक्शन 9 जो था मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस उन्नीस सौ इकसठ का उसको अमेंड किया गया था 2015 में सब सेक्शन 1 ए उसमें ऐड किया गया था सेक्शन 17 ए ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट उन्नीस जो है वाज आल्सो सब्सिट्यूटेड थ्रू फैमिली कोर्ट अमेंडेड एक्ट 2015 सो एज टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट जब तक सूट पेंडिंग हो दावा जो है वो अभी उसका फैसला ना हो तो उस दौरान तक बीवी की और बच्चों के हकूक के तहफ के लिए जो है ना एक शिक शामिल की गई थी सत्रह ए की इफ़ द प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट बाय द डिजीज़ ग्रैंड फादर हैव डिवॉल्ड अपॉन माइनर ऑर्फन ग्रैंड चाइल्ड एंड हिज़ पेटरनल अंकल एंड दीज आर अंडर पोजेशन ऑफ द पेटरनल अंकल हु इज ड्राइविंग बेनिफिट्स देयर फ्राम देन सच अंकल हैज़ रिस्पॉन्सिबलिटी टूवर्ड्स माइनर अगर जो दादा के फौत होने के बाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा चचा उठा रहे थे उठा रहे हों तो फिर अपने भतीजों के भतीजियों की आ, जो है वो मेंटेनेंस का ख़र्चा जो है मेंटेनेंस जो है नानो नफका जो है वो अदा करना फिर पेटरनल अंकल्स की ज़िम्मेदारी है देर इज़ अ कमांड बाय द आलमाटी अल्ला सिक्स अल नाम आयत वन फिफ्टी टू प्रोहबिंग द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑरफन क्या है जनाब जो यतीम हैं उनके जो हैं वो आ, जो समान है प्रॉपर्टी है माल है उसको इस्तेमाल मत करें एज द अंकल इज़ डिराविंग बेनिफिट फ्राम द प्रॉपर्टीज़ इनहेरिटेड फ्राम हिज फादर ग्रैंड फादर ऑफ माइनर ऑर्फन जो माइनर ऑर्फन है नाबालग यतीम है उ, उसके दादा की प्रॉपर्टी से फ़ायदा चचा उठा रहे हैं सो ही इज़ लाइबल टू पे द मेंटेनेंस टिल हैंडिंग ओवर द शेयर ऑफ द माइनर ऑर्फन ग्रैंड चाइल्ड इन स्टेट लेफ्ट बाय द डिजीज ग्रैंडफादर तो जब तक वो इसका हिस्सा नहीं देते आ, पोते को जो हिस्सा मिलना है दादा की प्रॉपर्टी में से उस वक़्त तक वो मेंटेनेंस लाजमी दें पोते अपने भतीजे को यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर की गई है क्योंकि एज द अंकल इज ड्राइविंग बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज इन फादर ग्रैंड फादर ऑफ द माइनर ऑर्फन सो इज लाइबल टू पे द मेंटेनेंस स्टिल हैंडिंग ओवर द शेयर ऑफ द माइनर ऑर्फन इज इफ द माइनर हैड नो प्रॉपर्टी और द इनकम फ्राम हिज प्रॉपर्टीज इन सफिशेंट टू मीट हिज नीड्स आफ्टर

कि अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है या उसमें से कोई आमदनी नहीं हो रही जो अगर हो रही है तो वो थोड़ी है आ, उनकी जो मामलात हैं बच्चे के मामला चलाने के लिए तो फिर दो बटा तीन हिस्सा जो है ना मेंटेनेंस का वो अदा करे जो है आ, उसके चचा पटर्नर अंकल और वन थर्ड जो है डैड शुड बी uh, would be contributed by the mother of such minor uh, एक बटा तो तीन हिस्सा जो है वो आ, आपका जो है ना वो कंट्रीब्यूटेड बाय मदर ऑफ सच माइनर जो है वो होना चाहिए यानी नहीं दो बटा तीन हिस्सा चचा दे दे और एक बटा तीन हिस्सा जो है माइनर की मदर जो है ना वो करे इन केस ऑफ डेथ ऑफ फादर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द माइनर चाइल्ड शिफ्ट अपॉन हिज क्लोज रिलेटिव इंक्लूडिंग द पेटर्नल तो कंक्लूजन इस जजमेंट का यह निकला है जनाब Of of father, father के इन केस ऑफ़ डेथ ऑफ़ फ़ादर फादर की वफात के बाद जो बच्चे को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है वो क्लोज़ रिलेटिव पर चली जाती है इंक्लूडिंग पेटर्नल अंकल पर भी अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़